भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेशवासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा आज काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।